पार्ट टू है जो कल का ब्लॉग था, तो आज हम जाने वाले हैं धनबाद। कल तो मेरा लैपटॉप मिला नहीं, तो इसलिए धनबाद में मैंने कॉल किया था, तो वहाँ पर अवेलेबल हो गया वो लैपटॉप। तो आज हम शक्तिपुंज से जाने वाले हैं, जो कल रात को जिस ट्रेन से आए थे उसी ट्रेन से मैं धनबाद आज जाने वाला हूँ। तो शक्तिपुंज एक्सप्रेस का टाइमिंग है 3:11 और आज ये ट्रेन कुछ समय से लेट चल रही है। तो जैसा कि आप लोग ने सुना कि शक्तिपुंज एक्सप्रेस आ रही है, तो चलिए ट्रेन के अंदर चलते हैं। और पर शक्तिपुंज एक्सप्रेस आ चुकी है, तो मेरा जनरल में टिकट है, तो जनरल कोच आगे पड़ता है। और इस स्टेशन का कोड है RNG और यहाँ पर गाड़ी 2 मिनट होल्ड करती है। तो हमारी गाड़ी खुल चुकी है, तो चलिए। यहाँ पर ट्रेन वगैरह साफ सफाई होता है, वो रोलर जो है घूमते रहता है और ट्रेन का बोगी वगैरह साफ होता है यहाँ पर। और आसनसोल स्टेशन के बाहर में ये है आसनसोल स्टेशन, हमारी गाड़ी घुस चुकी है। और इस स्टेशन के बारे में बता के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस स्टेशन को मैंने बहुत बार कवर कर दिया है, तो मतलब नहीं बनता क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अभी हमारी गाड़ी बढ़ाकर में रुकी हुई थी 5 मिनट से, और यहाँ तो शताब से मेरा कुछ काम था, फ़ोन में कुछ फाइल ट्रांसफ़र करवाना था, तो इसलिए वो आया था यहाँ पर। तो अब हम धनबाद चलते हैं आसनसोल लोकल से, वापस आएंगे हम लोग 7 बजे, तो सदा भी हो सकता है शायद मुझे पिक करने आए। तो चलिए धनबाद के लिए निकलते हैं यहाँ से, और आपसे मैं डायरेक्ट धनबाद में ही मिलूँगा। तो गाइस हम धनबाद पहुँच चुके हैं, और इस स्टेशन का कोड है DHN। यहाँ पर शक्तिपुंज एक्सप्रेस 10 मिनट का होल्ड रहती है। तो मेरे पीछे धनबाद जंक्शन है, और यहाँ से हम जाने वाले हैं सराय ढेला। तो यहाँ से ऑटो लेना पड़ेगा, आगे में आप लोग देख सकते हो ऑटो स्टैंड है, तो वहाँ से ऑटो हमें लेना पड़ेगा। तो चलिए ऑटो देखते हैं कहाँ पर है। यहाँ पर आप लोगों को टैक्सी वगैरह भी मिल जाता है, यहाँ से ये सब टैक्सी है, यहाँ आप लोग बुक करके भी जा सकते हो। भाई मुझे लंबी राइड नहीं करनी ज्यादा, भाई लंबी राइड नहीं करेगा अपन, बस अब कैमरा करा रहा लंबा कर क्यों कर रहा है भाई, कैसे होगा लंबा यार, दो बटन खोला के बोले, दो तीन बटन खड़े खड़े दूसरा से पढ़ मैं तेरा भाई, तो 200 ज्यादा ले ले, लेकिन लैंड करा दे। तो मैं यहाँ पर धनबाद स्टेशन आ गया हूँ, क्योंकि वो शॉप में गया तो वहाँ पर इतना ही ज़्यादा रश था, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया। और उसके बाद क्या हुआ ना कि मेरे हाथ में दो बैग आ चुका था, तो मेरे पीठ पे भी एक बैग था, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। और यहाँ पर कुछ दिखा देता हूँ आपको, उसके बाद मैं डायरेक्ट मिलता हूँ आपको कुल्टी में, या फिर ट्रेन में अगर टाइम मिलेगा तो मैं आपको दिखा दूँगा। और हाँ, हमारा जो ट्रेन है वो शक्तिपुंज है, जिससे हम लोग आए थे, वही ट्रेन से हम लोग रिटर्न जा रहे हैं। इस बार कुल्टी जा रहे हैं, इस बार बढ़ाकर नहीं जा रहे। और लैपटॉप जो है हमारा वो मिल चुका है, तो अनबॉक्सिंग जो है इसका घर जाके मैं करता हूँ, यहाँ पर तो नहीं कर सकता क्योंकि स्टेशन है, तो घर ही जाके सब पॉसिबल है।